एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और इस होम रेमेडी में यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स भी सारे नेचुरल हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी स्किन पर से सन टैन, एक्ने, ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए और आपकी स्किन को लाइटर, वाइटर और ब्राइटर बनाने के लिए। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मुलेठी पाउडर या जिसको हम लिकोराइस पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कॉफ़ी पाउडर, फिर आपको चाहिए बेसन या ग्राम फ्लोर, उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मैंने रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ किया है, बट अगर आपके पास प्योर एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमें चाहिए आधा नींबू। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ी कटोरी में एक चम्मच बेसन ले लीजिए, फिर उसके बाद आप उसके अंदर एक चम्मच मुलेठी पाउडर या लिकोराइस पाउडर को डालिए और फिर लास्ट में एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालकर आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये तीनों पाउडर इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अच्छे से इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर एक चम्मच एलोवेरा जेल डालिए और लास्ट में आप इसके अंदर आधा नींबू निचोड़ दीजिए। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप नींबू की जगह कच्चे दूध यानी रॉ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप सभी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ पेस्ट बनाएं। और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी स्किन पॉलिशिंग होम रेमेडी रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी। और स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट को यूज़ करना भी बहुत इजी है। आपको सबसे पहले इस पेस्ट को अपने फेस और नेक पर अप्लाई करना है और जेंटली स्क्रब करना है 3 से 4 मिनट के लिए। और आप इस होम रेमेडी को अपने फेस और नेक के साथ साथ अपनी फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से स्क्रब करने के बाद आप इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए, या तो आप इसी पेस्ट की एक थिक लेयर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, फिर उसको 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। और जब वो अच्छे से सूख जाए तो आप अपनी स्किन को नॉर्मल पानी से धोकर पैड और मॉइस्चराइज कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही इस्तेमाल से इस होम रेमेडी के मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कितना ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और रेडियंट हो चुका है। और ये स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट आपके सन टैन, एक्ने, ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स को भी तुरंत दूर करता है और आपकी स्किन को लाइटर, वाइटर, ग्लोइंग और रेडियंट बनाता है। और अगर आप इस होम रेमेडी से बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको ये स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए।